ये मैं कहाँ आ गया? मेरा अंतरिक्षयान कहाँ उतर गया? अरे ये इतना बड़ा सा क्या है रास्ते में? डरो नहीं दोस्त, मैं पेड़ हूँ, लोगों को छाया और फल देता हूँ। माफ करना पेड़ भाई, मैंने पहली बार पेड़ देखा है ना, इसलिए थोड़ा डर गया था। तुम कौन हो? मैं एक दूर ग्रह जैन का वासी हूँ। मेरा यान रास्ता भटक गया और मैं यहाँ पहुँच गया। ओ, तो तुम एलियन हो? हाँ, पर ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गया हूँ पेड़ भाई? ये पृथ्वी है, हमारी सुंदर पृथ्वी। अरे ये क्या है मेरे हाथ पर? ये क्या आ गई पारदर्शी गीली गीली सी? ये मैं हूँ, पानी की बूंद। पानी की बूंद? ये पानी क्या होता है? तुम पानी को नहीं जानते? अरे पानी ही तो पृथ्वी के जीवन का आधार है। पानी न हो तो पृथ्वी ही खत्म हो जाए। हाँ, मैं वही पानी की बूंद हूँ। यहाँ लोग मुझे जल भी कहते हैं। मैं ही तो हूँ जिससे इस पृथ्वी पर नदियाँ हैं, झरने हैं, तालाब हैं। अच्छा, मुझे अब पता चला वो क्या चीज़ है जो हमारे ग्रह पर नहीं है। ये पानी हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे ग्रह पर लोग जल्दी मर जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर तो मनुष्य पानी के बिना रह ही नहीं सकता। पृथ्वी का प्रत्येक जीव जंतु, पौधे, वनस्पति, सब कुछ पानी की वजह से ही तो पृथ्वी पर हैं। तब तो तुम बहुत ही मूल्यवान हो, पानी की बूंद अनमोल हो। पानी तुम अनमोल हो, 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 पानी तुम अनमोल हो। पर तुम्हारा जन्म हुआ कैसे? मेरी कहानी तो बड़ी लंबी है, पर तुम्हें कुछ खास बातें बताती हूँ। बताओ बताओ, मुझे भी सुनना है। मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैस के रूप में सूर्यमंडल की लपटों में विद्यमान थे। एक दिन एक बड़ा सा प्रचंड प्रकाश पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ा। लगता था वो सूर्य से टकरा जाएगा। तो क्या वो टकरा गया? नहीं, वो पास से निकल गया। तब तो सूर्य टक्कर से बच गया। हाँ, किंतु पिंड की तेज गति के आकर्षण से सूर्य का एक भाग टूटकर अलग हो गया और फिर वह अनेक टुकड़ों में विभक्त हो गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी बनी। पहले आपका गोला थी हमारी पृथ्वी। तो उस आग के गोले में तुम कहाँ से आ गई? धीरे धीरे आग का गोला ठंडा हो गया और पृथ्वी बन गई। बस फिर यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण मैं यानी पानी की बूंद उत्पन्न हो गई। वाह, वर्षा आ गई, वर्षा आ गई। वर्षा आई, वर्षा आई, वर्षा आई, वर्षा आई, हम सबके ये मन को भाई, हम सबके ये मन को भाई। वर्षा आई, 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 वर्षा आई। वर्षा, अब ये वर्षा क्या है भाई? ये जो ऊपर आसमान से
पानी की तेज बूंदें गिर रही है ना, ये ही है वर्षा। अच्छा, पर ये आती कहाँ से है? आसमान में कोई फुहारा लगा है क्या? फुहारा नहीं, मैं लाता हूँ वर्षा। अरे ये काला कलूटा कौन है भाई? मैं बादल हूँ, बादल। मैं ही पृथ्वी पर वर्षा को लेकर आता हूँ। पर कैसे? मैं बताती हूँ, दरअसल ये चक्र है, जल चक्र, वाटर साइकिल। मतलब यह भैया कि गर्मी के दिनों में जब सूरज की तेज किरणें पृथ्वी पर समुद्र, नदियों आदि के जल पर लगातार पड़ती है, तो इससे पानी गर्म होकर भाप बनने लगता है। और भाप हल्की होने के कारण ऊपर आसमान की ओर उठती है, इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। फिर आसमान में आकर ये भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। फिर जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है और वर्षा शुरू हो जाती है, समझे? हाँ, और फिर नदियों, तालाबों, समुद्रों में पानी फिर से भर जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही पकड़े हो मियाँ, लगता है थोड़ी बहुत अकल तो है तुम में। अच्छा, तो ये है जल चक्र। हाँ, पानी, फिर भाप, फिर बादल, फिर वर्षा, फिर पानी। यह जल चक्र साल दर साल यूं ही चलता रहता है, तभी तो पृथ्वी पर पानी ही पानी है। अपनी पृथ्वी पर सबसे अनमोल केवल पानी है, जल संरक्षण की आदत हम सबको अपनानी है। अपनी पृथ्वी पर सबसे अनमोल केवल पानी है, जल संरक्षण की आदत हम सबको अपनानी है। जल से ही है जीवन, बात हमें समझानी है, पानी व्यर्थ बहाना हम सब की नादानी है। जल से ही है जीवन, बात हमें समझानी है, पानी व्यर्थ बहाना हम सब की नादानी है, हम सब की नादानी है, हम सब की नादानी है, हम सब की नादानी है।